दयालु बाप की कहानी। एक दिन यीशु उ बहुत से मनन का शिक्षा देते रहे हैं जोन उन खरसूने के लाने इकट्ठा भर रहे हैं। यह मनई चुंगी ले वाले और साथ ही दूसर मनई भी रहे हैं जोन मूसा के व्यवस्था के पालन करे के प्रयास नहीं करे रहे हैं। कुछ धार्मिक अगुआ देखिन कि यीशु इ मनईन से एक मित्र के समान बात करत ही, यही से ऊ एक दूसर से यह कहा का आरंभ कर दें कि वह गलत करत ही। यीशु उन्हीं बात करत सुनिन, यही से वह उन्हीं यह कहानी बताइन। एक ठी मनई रहो है जे के दू ठी बेटबा रहे। छोट बेटबा अपन बाप से कहिस, हे बाप, मोही अभी मोर हिस्सा चाही। तब बाप अपन दोनों बेटबन के बीच में अपन संपत्ति के बंटवारा कर दईस। जल्दी से ही छोट बेटबा अपन सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश का चलोगा और पापी जीवन जिए में अपन सारा धन का बर्बाद कर दईस। एके बाद जहाँ छोट बेटबा रहो है वह देश में एक ठे भयंकर अकाल पड़ो और ओखे पास भोजन खरीदा के लाने धन नहीं बचो। ऐसे वही जौन काम मिलो वह सूरन का चरामा करो है। वह इतना दुखी और भूखा रहो है कि वह सुअर के भोजन खाए का चाहत रहो है। आखिरकार वह छोट बेटबा खुद से कहिस, मैं का कर रहे हूँ, मोर बाप के सब सेवकन के पास खाए के लाने बहुतायत से हब, फिर भी मैं यहाँ भूख से मर रहे हूँ। मैं अपन बाप के पास वापिस जई हूँ और अपन बाप का एक ठे सेवक बने के लाने उसे विनती करी हूँ। तब वह छोट बेटबा वापिस अपन बाप के घर के तरफ जाए का आराम करीस। जबकि वह अभू दूर में ही रहोहा वाखर बाप उही देख के ओखे ऊपर तरस खाइस। वह दौड़ के अपन बेटबा के पास गा और वही गला से लगा के चुमिस। वह बेटबा कहिस, हे बाप, मैं परमात्मा के और तोर विरुद्ध पाप करे हूँ। मैं तोर बेटबा कहलामा के लायक भी नहीं हूँ। पर बाप अपन एक थे सेवक से कहिस, जल्दी जाके सबसे अच्छा कपड़ा लेके आ और मोर बेटबा का पहना। ओखे उंगली में अंगूठी और ओखे पैर में जूता पहना। फिर सबसे अच्छा बछड़ा मार ताकि हम खई और उत्सव मनई। कहे से कि मोर बेटबा मर गरव है पर अब वह जिंदा होई गह। वह खो गरव है पर अब हम ओही पालय हन। यही से मने उत्सव मनावा का आरंभ करी। कुछ समय बीते के बाद बड़ा बेटबा खेत में काम करके घर आओ। वह संगीत और नाच के आवाज का सुनीस और अचंभित भ कि यह का हो रहो है। जब बड़ा बेटबा का मालूम भ कि ऊ कहे के लाने उत्सव मना रहे हैं, कैसे कि वाखर भाई घर आ गरव, तब वह बहुत गुस्सा होइगा और घर में दाखिल नहीं भा। वाखर बाप बाहर आके उसे उनके साथ उत्सव मनामा के लाने निवेदन करिस पर वह मना कर दईस। वह बड़ा बेटबा अपन बाप से कहिस, ई सारा सालन में मैं तोर लाने निष्ठापूर्वक काम करी हूँ, कभू भी तोर बात का नहीं टाले हूँ, पर ते कभू मोही एक ठे छोटी बकरी भी नहीं दे ताकि मैं अपन मित्रन के साथ दावत कर सकूँ। पर तोर या बेटबा तोर धन का पापी काम करे में बर्बाद कर दईस और जब वह आओ है तो ओखे लाने उत्सव मनामा करते सबसे अच्छा बछड़ा का मार डाले। बाप जवाब दईस, हे मोर बेटबा, ते हमेशा मोर साथ हस और जौन कुछ मोर है वह सब तोर आए, पर हमरे लाने उत्सव मनामा का सही है। कहे से कि तोर भाई मर गरव है पर अब वह जिंदा होई गह, वह खो गरव है पर अब हम वही पाल हन। लुका अध्याय 15:11-32 से बाइबल के कहानी।